मैंने तो डबल ट्रेलर का काम ही छोड़ देना है। हद हो गई है यार, हद हो गई है, एक के पीछे सबने पागल बना दिया। तो आज क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा, मौसम बहुत खराब हो गया। मौसम तो भी ऐसे चलेगा, मौसम के दिन है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के जो काम करना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। पहले कल वाले पूरी वीडियो का डाटा ट्रांसफ़र किया लैपटॉप में, अभी एक वीडियो एडिटिंग पे लगाई हुई है, लेकिन कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में काम पे गया, काम लंबा हो गया, आते ही सो गया सुबह के 6 बजे। आज अभी उठे और फिर काम पे जाना है, लेकिन बाहर मम्मा जी ने बताया कि मौसम पहले ही ख़राब है। जब काम शुरू हो जाता है ना, तो बस आदमी के पास में, बंदे के पास में यही होता है कि हाँ बस उठो, खाओ, काम पे चले जाओ, फिर सो जाओ। छुट्टी वाले दिन फिर थोड़ा सा आराम मिलता है। बाबा जी आपकी सेहत कैसी है? अभी सही है यार। अभी तो नहीं हुई प्रॉब्लम? अभी सही, बिल्कुल सही। वो आपके लिए खरबूजा लेके रख दिए, खाओ। कैमरे में दिख रहे हैं। एक चीज़ तो आपको मालूम पड़ गई होगी ना, कि घर में बैठ के कनाडा में टाइम पास नहीं होता, कोई दूसरा काम नहीं सर्दियों में। काम वाले बंदे काम करते हैं, जो बंदे इंडिया से घूमने के लिए आते हैं, सर्दियों में मोस्टली क्या होता है कि एक तो चलो हमारे घर में मनदीप की बेबी की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते इकट्ठे, कहीं ठंड में आप वॉक भी नहीं कर सकते बाहर। परसों वॉक किया था, कल पूरा दिन गोलियां खाई, दवाई भी। ज्यादा जोर लगा लिया बाहर। इन्होंने सारी पंजाबी फिल्में देख ली है पिछले दो महीने से। चलो ये वाले ट्रक में प्लग लगा हुआ था ना, ये वाले ट्रक में ऑटो स्टार्ट नहीं है, ये थोड़े से ट्रक आए थे कंपनी में, हमारे वाले ट्रकों से एक नंबर पहले वाला मॉडल है। स्टार्ट करके देख लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्ट, लेकिन हो जाएगा। देखा, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा स्टार्ट होगा मुश्किल, लेकिन हो जाएगा। स्टार्ट करने के टाइम में उसी टाइम एक्सीलेटर नहीं देते, आपको मालूम ही है। 5-7 मिनट तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाऊंगा 7-8-9 पे, उसके बाद में फिर 5-7 मिनट वेट करेंगे, फिर ट्रक को निकालेंगे। इन ट्रकों में वो वाला इंजन लगा हुआ था जो हमारे पीटर बेल्ट में इंजन लगा हुआ था ना छोटा वाला, इन ट्रकों में वो वाला छोटा वाला इंजन लगा हुआ है हीट के लिए, अगर बन ट्रक में हीट चलानी है तो। कल से थोड़ी सी ज्यादा ठंड है आज, क्योंकि आज हवा चल रही है, कल हवा नहीं थी। मैं एक बार बाहर जाकर ट्रक चेक कर लेता हूँ इधर से, तब तक ट्रक थोड़ा गर्म भी हो जाएगा। कभी ग्लव्स उतारो, कभी ग्लव्स पहन लो। कन्वर्टर लगा के आया, थोड़ी वेट करते हैं, देखते हैं किस्मत क्या बोलती है। ऐसा हो सकता है कि हम बाइक बना रहे हैं और हमारी जान इतनी जल्दी छूट जाए। एक नहीं, तीन तीन जाम हुए, तीन तीन। लास्ट ट्राई है, करके देख लेते हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है, दूसरा कन्वर्टर डाल के भागेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये वाला बहुत ज्यादा जाम लग रहा है यार। आखिर में यही कन्वर्टर काम आया जो हमने कल छोड़ा था। अभी जल्दी से बाइक बनाते हैं। अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो पहले वाला कन्वर्टर नहीं चला है उसका क्या करें। आपके पास में 4-5 कन्वर्टरों की और ऑप्शन है तो अपने को क्या टेंशन है, लेकिन अगर और कोई ऑप्शन नहीं होती तो फिर और 10-15 मिनट उस पर लगाते थे, वेट करते थे, फिर 11 में कॉल कर सकते हैं, सर्विस वाला बंदा आएगा, वो खोल के देखे जाएगा, उनके पास में हैवी रॉड होती है, बहुत कुछ होता है। कैमरे की बस हो गई।
जाना तो हमको इस तरफ को है, लेकिन अभी बाइक यहाँ से घुमाएंगे तो ज्यादा क्लोज कॉल हो जाएगी, तो बाइक ऐसी घुमा लेते हैं ऊपर से, क्योंकि अपना पीछे वाला ट्रेलर जो है ना वो एम्प्टी है, तो बाबा जी का नाम लेके ऐसे घुमा लेते हैं। काफी जगह है यहाँ पे, अगर ये साइड में ट्रेलर लगे होते ना फिर घुमानी मुश्किल हो जाती, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि घूम जाएगी। आ गई भाई। शुक्र है बाइक बन गई, मैंने तो डबल ट्रेलर का काम ही छोड़ देना है। कैसा लगा मेरा मजाक? किस किस बंदे को ये सुन के बाद में सच्चाई लगी होगी कि आपका भाई जो है डबल ट्रेलर का काम छोड़ देगा। बहुत मुश्किल से ऊपर वाले से अरदासें कर करके ये डबल ट्रेलर का काम मिला है, बहुत शौक था चलाने का। कितने भी मुश्किलें आएंगी कैसे भी होगा, लेकिन चलाएंगे इसको। ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, मेरी 2 बजे की स्विच है, तो बंदा मेरे ख्याल में 7 बजे तक वहां आएगा। अगर रास्ते में वेदर बैड मिला तो मैं और लेट हो जाऊंगा। अभी ये वाली टर्नों के ऊपर ना थोड़ा सा डर लगता है, स्लिपरी बहुत है ना, तो बहुत आराम से पहले स्पीड कम कर लेते हैं, क्योंकि पीछे वाला तो अपना है ही एम्प्टी। आएगा खंबा, बच गए। ये पिके वाला देखो किधर से आ रहा है, इसको कितनी जल्दी है। आया भाई, कहाँ जाना है तेरे को? मैंने ट्राइपॉड 1 मिनट के लिए यहाँ लगाया और ये पिके वाले को इतनी जल्दी होगी, भाग के आया ऊपर से। कहाँ से लेके गया ये देखो। इसको बोलते हैं कि 1 मिनट का भी सब्र नहीं है, लेकिन भाई हम तो डबल ट्रेलर चलाते हैं तो हमको तो सब्र रखना पड़ता है। पीछे वाला ट्रेलर जब खाली होता है ना तो पता कैसे आता है, अपने गाड़ी के पीछे कोई रस्सी बांधी हुई है, तो रस्सी क्या करती है, हुई आती है कभी ऐसे 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 रोड के ऊपर ना, वही हाल होता है पीछे वाले ट्रेलर का भी। ये रोड के ऊपर आके एक्सीलेटर देने को दिल करता है कि हाँ नीचे से साफ लग रहा है। मैं हर रोज घर से टाइम से निकलता हूँ, मेरे को मालूम नहीं टाइम कहाँ लग जाता है। आज कन्वर्टर ने अपना काफी टाइम वेस्ट कर दिया, ये कन्वर्टर से तो किसी दिन ना बैठ के बात होगी कि भाई तुमको लेना क्या है मेरे से। ब्रेक ही मार लेते हैं, पीछे कार वाला बहुत स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है भाई। लगता है कि आज स्विच लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन स्विच अपने को बहुत लंबी पड़ेगी। कार वाले तेरा क्या हिसाब किताब है? ये जाएगा लेफ्ट में, मेरे ख्याल में आज रात को पक्का फिर से रोड बंद हो जाएंगे। वो ट्रक दिख रहा है ना, फ्लैशर लगा दिए मैंने, ये कार फंस गई लेफ्ट साइड में, देखो इसने कहां पे घसेड़ ली अपनी कार, अब इसकी कार निकल नहीं रही। अगर हवा थोड़ी सी भी और बढ़ गई, जब अंधेरा हो जाएगा तो रोड के ऊपर जो बेहाल होगा सिस्टम, इसमें मेरा ध्यान नहीं गया। डर्टी हैंड्स आर साइन ऑफ क्लीन मनी, ये गारंटी है, स्लिपरी नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को कमान संभालनी पड़ेगी आगे जाके। मैं कितना उस्ताद मर रहा हूँ, ऐसा ना हो यहीं पे जाके मैं गिर जाऊं। लेकिन ये बाइक के पास में ना लोड बहुत ज्यादा है, ये देखो 3 और 3 6 6 कॉइल्स है और सुपर भी है बाइक के पास में, तो इसका जब एक बार ब्रेक लगती है, जब आगे स्लो कटी होती है ना हम ब्रेक लगाते हैं, तो उसके बाद में मोशन बहुत लेट बनता है। कोई बात नहीं भाई, आराम आराम से आओ। इंडिकेटर मैंने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से स्लो सारी उड़ उड़ के ना उसकी आगे चली जाएगी, तो ये होगी सही बात नहीं है, तो मैंने इसलिए इस तरफ कर ली है। आगे ब्रेकें लग गई हैं, पीछे ट्रक वाला आ रहा है, ये बहुत स्पीड से आ रहा है, ये सबको अंधा करता हुआ जाएगा। आगे तो मेरे ख्याल में रोड ही बंद हो गया, क्या चक्कर है, आगे ट्रैफिक इकट्ठी हो गई, ये मारेगा किसी ने किसी को भाई। आगे देख, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी इसको क्या हुआ यार? मालूम नहीं बंदों को दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, आई डोंट नो। ओ भाई रुक जाओ यार। मारोगे किसी ना किसी को आगे। हद हो गई है यार, हद हो गई है, एक के पीछे सबने पागल बना दिया। मैंने उसको जब ओवरटेक मारा ना तब रोड सही था, मेरे साइड में कार थी, मालूम नहीं हो रगड़ी गई कि बच गई। क्या हो गया यार, आराम से जाओ, किसी ना किसी की हैपन हो जाएगी, रोड बंद हो जाएगा। जब मैंने इस तरफ स्लो देखी ना, मैंने उसी तरफ अपना ट्रक राइट साइड में कर लिया, ये वाले ट्रैक में और स्पीड कम कर ली। अगर दोनों रोड दोनों साफ है, अभी देखो इसने ब्रेकें मार दी, ये देखो ये वही है ना जो मेरे को अभी ओवरटेक करके गया भाई, सुपर वी वाला, इसको मैंने पहले ओवरटेक किया, अभी इसने ब्रेकें मार के अपना ट्रक ही खड़ा कर लिया। हमारे भाई है, लेकिन वो वाले बंदे बन जाते हैं जैसे एक घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को साइड में ना वो आंखों के ऊपर ना वो लगाए होते हैं खोपे, तो उसको इस तरफ और इस तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ सीधा दिखाई देता कि बस दबा के रखना है काम। वो वाले बंदे मत बनो यार। अभी ऐसा वाला रोड है ना, तो आप आराम से ओवरटेक करो यार,
कोई दिक्कत नहीं है, हम रास्ता देने के लिए भी तैयार हैं, आराम से जाओ, हक बनता है आपका, जिसका दिल करता है आप ओवरटेक मारो, मेरा दिल करता है मैं ओवरटेक मारूंगा, लेकिन जब आपको सामने ये वाले ट्रैक में स्नो दिख रही है तो आपको मालूम है जब आपका टायर उसके ऊपर जाएगा तो ट्रक भर के स्नो जो है वो राइट साइड वाले बंदे के शीशे के ऊपर आएगी और राइट साइड वाला बंदा बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, हो सकता है उसका ट्रक डिच में चला जाए, वो बात का ख्याल रखना है यार। है तो सारे अपने भाई घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ एक बंदे थोड़ी सी हपड़ा दपड़ी में गलती कर जाते हैं, उसका चांस होता है कि आगे वाला बंदा भी मार सकता है, उसकी वजह से आगे वाले बंदे को प्रॉब्लम आ सकती है, गिर सकता है उसका ट्रक, गिर जाएगा वो किसी में मार देगा। जो आगे से बंदा आ रहा है उसने ब्रैंडन आना था, उसने पहले स्विच जो है वापस ले ली है, वो बोलता है कि मैं ब्रैंडन तक नहीं आऊंगा, उसने 50-70 किलो 80 किलोमीटर पीछे वाले टाउन में वार्डन में ही अपनी बाइक खड़ी कर दी है कि मैं वार्डन ही स्विच करूंगा, मैं ब्रैंडन नहीं आऊंगा, अभी मेरे को आगे जाना पड़ेगा ऐसे वेदर में, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, नो कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को लगता है कि ये बाइक को मेरे को ओवरटेक मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, और आगे देखो दोनों ट्रैक अभी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से स्नो पड़नी चालू हो गई, पहले केली हवा आ रही थी, तो भाई सॉरी फॉर दिस, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि आगे काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी है, आगे देखो आपको दिखाई दे रहा है दूर तक, डबल ट्रेलर है इसी साइड में, आपने किसी को ओवरटेक किया वेट करो, वेट करो, जब आपको हो जाए कि हाँ मेरी काफ़ी आगे आ गया हूँ, लोड से ज़्यादा आगे आ गया हूँ, तब राइड में आओ, ये कभी मत सोचना कि हाँ मैंने उसको ओवरटेक कर लिया बस राइड में आ गए, नहीं, पीछे वाला बंदा जो पीछे वाला होता है वो समझदार होते हैं, मोस्टली अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मेरे जैसा बंदा आ गया नादान, उसने स्पीड उठा दी नीचे से, तो बस थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। अगर हवा बंद हो जाती है ना तो ये स्नो हमको कुछ नहीं बोलेगी, जितनी मर्जी पड़ती जाए विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन अगर हवा चलती रहेगी तो डेफिनेटली रोड बंद होगा। अभी देखो अभी विजिबिलिटी कितनी अच्छी हो गई ना, अभी बढ़िया लग रहा है काम, लेकिन भाई अभी फ्लैशर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग सियाने हो यार, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो, लेकिन अभी तो मैं 100 के ऊपर जा रहा हूँ, क्रूज भी लगाया हुआ ये देखो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्रूज, आपको सर्दियों में क्रूज लगा के मत चलो, जब आपके पैर थक जाता है एक्सीलेटर से, क्रूज लगाओ जैसे मैंने लगाया था, सांस दिलाओ फिर वापस क्रूज बंद कर दो, वही बात है, आप लोग सियाने हो यार। ये भाई लोग फ्लैशर बंद करना भूल गए हैं, ये भी लो विजिबिलिटी के कारण हुआ है, नॉट विथ स्लिपरी, बड़ा करना ऊपर वाले हर एक का। हर साल विंटर में कनाडा में, अकेले कनाडा में मेरे ख्याल में लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है, सिर्फ ट्रकों का, सिर्फ ट्रकों का, बाकी कारों का अलग, लेकिन फिर भी अपने भाई कितने और कितने ट्रक ड्राइवर भाई हैं जो रोड के ऊपर चलने से मना नहीं करते, चलते हैं, सबकी रोजी रोटी भी है और सबका काम भी है। अगर हम विनिपेग से ही हिम्मत छोड़ देते तो ये वाला सही वाला टाइम देखने को नहीं मिलता आज। एक बार पीछे वाली लाइटें साफ करनी है, फिर बैठ बैठ के निकल जाना है, क्योंकि खड़े हो गए ट्रक चला नहीं सकते ना। ज़्यादा ख़राब नहीं है, सही है काम, सही है, चल जाएगा भाई। अरे भाई, अरे भाई, थोड़ा सा ये चीज़ से गुस्सा आता है जब भी बाहर जाना होता है। कार की चाबी इसमें पड़ी हुई है, कहीं गिर विर गई तो रात को टैक्सी लेके जाना पड़ेगा घर। कभी जैकेट उतारो, कभी जैकेट डालो। कभी कभी दिल में बहुत ये वाला ख्याल आता है कि ड्रोन उड़ाने के लिए मिल जाए, लेकिन ड्रोन उड़ा नहीं सकते। इतनी ठंड में -40-45 में ड्रोन ऊपर जाएगी ना, तो थोड़ी सी इस तरफ उस तरफ हो गई तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी और गिर जाएगी, और आपको लगता है कि सड़क से नीचे उतर के डिच में जाके कोई बंदा ड्रोन निकाल लेगा, नहीं उड़ाएंगे। हमने एक महीना काम से छुट्टी क्या की, टिम मोटर ने चाय का ग्लास ही बदल दिया यार। कल मेरे को टिम मोटर मेरी रेंज में नहीं आया, आज टिम मोटर अपनी रेंज में था, क्योंकि आगे वाला बंदा जो है ना वो आधा घंटा लेट आ रहा है अपने से। ट्रेलर मैंने उतार दिए वहां पे ही और बाग के चाय पकड़ने के लिए आ गया, जल्दी से जाके ट्रेलर देखते हैं भाई, ऐसा ना हो कोई ट्रेलर अपने पॉकेट में डाल के ले जाए। ये है अपने ट्रेलर, हवा चलती बहुत है, पेपर लो अपने ट्रेलर हुक करो, अगर ट्रेलर के सारे टायर चलते हैं तो भागो।
जोर का झटका धीरे से, इसका मतलब ट्रेलर हुक हो गया। टेबल देख लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं, फिर बाहर जाके इसके साथ में मैच भी कर लेंगे। हम तो चले भाई। ओके बाय बाय बाय। ये अपने भाई हैं और सीधा इन्होंने भी अपने यार्ड में जाना है, तो दो बाइकें होगी, एक और एक 11। यस, वेदर खराब होगा, कहीं रास्ते में रोड बंद हो गया, तो आराम से सलाह मशवरा करेंगे और एक ही जगह में रुकेंगे, साथ में खाएंगे रोटियां, साथ में पिएंगे चाय, लेकिन सोएंगे अपने अपने ट्रक में। भाई ने थैंक यू कर दिया, वो कर देते हैं तुमको भी नूडल, नूडल कर देते हैं भाई ये लोग। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे सुसु आ गया। अभी देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी दोपहर को कोई इतना बड़ा चक्कर चला होगा। अभी देखो इतने आराम से ट्रैफिक मूव कर रही है किसी को कोई टेंशन? इसकी प्लेट दिख नहीं रही बाइक की, पुलिस वाला देखेगा ना, मेरे ख्याल में इसको पक्की टिकट मिलेगी। राइट साइड वाला सारा पहाड़ है ना, यही उड़ उड़ के जाना है भाई लेफ्ट साइड में। अभी मेरे को लेफ्ट सिग्नल में लेफ्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ट्रैक तो बहुत छोटा हो गया, इसमें पूरा ट्रक आ ही नहीं रहा। इस बार तो यार हद से ज्यादा स्नो पड़ गई है। आ गई है भाई हमारे घर वाली लेफ्ट, लेफ्ट आ गई है लेफ्ट। अगर हम यहाँ से लेफ्ट कर दिए ना एक बार, तो समझ लो कि हमारा यार्ड आ गया। ये भी अच्छा मौका मिल गया, देखा बाइक कैसे लेफ्ट करती है, और अपने को हो गया येलो सिग्नल, तो रुक जाते हैं भाई, रेडी हो गया। अभी इसके पीछे रिवर्स किया, इसके टायर जाम हो गए, और ये देखो सेंटर में से इसका बेंड हो गया। अभी इसमें हवा नहीं है, अभी जाके ट्रेलर को थोड़ा आगे करता हूँ, तो देखता हूँ मेरा कैमरा टायर के ऊपर पड़ा हुआ है, गिरना नहीं चाहिए। मान जाए यार, शुक्र है। तो आज क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा, जितनी भी विंटर वाली वीडियोस गई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कन्वर्टर में होती है। यार्ड में हुक करने के टाइम में टायर किसके फ्रीज होते हैं? कन्वर्टर के। ट्रेलर के कम होते हैं। जब हम बाइक अनहुक करते हैं यार्ड में आके, तो कौन सी चीज़ जो फंसती है? वी बॉक्स की हुक होती है जो कन्वर्टर में लगी हुई थी, ये वाली, ये जो फिफ्थ व्हील के ऊपर, जिसको हम खींच के फिर अनहुक करते हैं। आज हमने सीखा, हर दूसरा तीसरा दिन ड्राइवर की ज़िंदगी में जो डबल ट्रेलर जाता है, ऐसा होता है जब तक उसकी नली जमती नहीं है तब तक काम बनता नहीं है। और नली जम गई मेरी फिर से। गाड़ी में ट्रक में इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतना मज़ा आता है चलाने में, यार्ड में आके पूरी टेंट में फिस हो जाती है, एक एक हड्डी में ना ठंड चली गई। अभी फिर बोला नहीं जाता, जब ठंड में बाहर आते हैं तो आवाज़ थोड़ी और ही हो जाती है। क्या बना हुआ है खाने में? खाने में है मिक्स सब्जी। इसकी तो आवाज बहुत आ रही है यार। मैंने हर जगह में कैमरा लगा के ना, ट्रक में जहां तक मेरी पहुंच पड़ी, मैंने वहां वहां कैमरा लगा के मैंने वीडियो बनाई, पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने देखा होगा। चलते चलते जब वापस आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को तो सारे एंगल पसंद आते हैं जिसमें मैंने कैमरा लगा दिया, माथे पे लगाया, ट्रक में लगा दिया, ट्रक के बाहर लगा दिया, मिरर वाला। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो पुरानी वाली वीडियोज़ भी देखी होगी, कौन सा कैमरे का एंगल आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है? ऐसे ही बस एक सवाल है, तो मालूम पड़ेगा कि जनता की क्या राय, आपकी क्या राय। आज का सफर भी हो गया ऊपर वाले की कृपा से, तो ठीक है यार, कर देते हैं इस वीडियो को भी यहाँ पे क्लोज, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, लेकिन जाने से पहले लाइक करना मत भूलना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, और जो बंदे अपने चैनल के ऊपर आए हैं कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, ये आपका भाई बोल रहा है यार।
तिल दिन अपना ख्याल रखो, अपने पर का ख्याल रखो, रब रखा, बाय बाय. Yes, coming like left, right, left, right, oh. Are you the same?